आज बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। 1800 लोगों को खुशी मिली है, विस्तार न्यूज ने उन्हें खुशी दिलाई है। आज बहुत खुश हूं, कई गांवों को बिजली मिल गई है, सुकून मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो और डंके की चोट पर आपका ही अपना शो। क्योंकि जब बताऊंगा 8 से 9 बने रहिएगा। सीधे मुद्दे की बात में आज किन किन मुद्दों पर बात होगी, चलिए चर्चा उसी की कर लेते हैं। सबसे पहले बात राहुल गांधी की करेंगे। राहुल गांधी को ईडी के अंदर से खबर मिली है, उनके सूत्रों ने बताया है कि छापेमारी हो सकती है। खबर सुनकर राहुल गांधी सो नहीं पा रहे हैं, आधी रात को उठकर ट्वीट कर रहे हैं, या यूं कहें सो ही नहीं पा रहे हैं। क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानना है तो बने रहिएगा 8 से 9। दूसरी खबर ऐसी खबर है जिसकी वजह से विस्तार न्यूज आज बहुत खुश है, विस्तार न्यूज का एक एक सदस्य बहुत खुश है। 1800 लोगों को घर मिलने वाला है, कई गांव में बिजली आ गई है, बिलासपुर में, पूरी खबर बताएंगे, जुड़े रहिएगा। तीसरी खबर में बात करेंगे मौत के कुएं की, लेकिन ये कुएं सर्कस वाले नहीं हैं, आपके गांव में हैं, आपके अगल बगल हैं, खबर क्या है वो भी बताएंगे। चौथी खबर में बात करेंगे बाढ़ बारिश, पिछले एक महीने से लगातार आपको सतर्क कर रहा हूं। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक लोग बारिश से बेहाल हैं, परेशान हैं, एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। पांचवीं खबर में बात करेंगे सिस्टम की मार झेल रहे गांवों की, 10 किलोमीटर तक लोग पैदल जा रहे हैं, गांव तक सड़क ही नहीं है, बना दीजिए, नहीं बनाएंगे दिखाते रहेंगे। छठवीं खबर में बात करेंगे कैसे जबलपुर में लोग पानी पीकर बीमार हो रहे हैं, पड़ताल की है हमारे सहयोगी ने, ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, बने रहिएगा, विस्तार से दिखाएंगे। सातवीं खबर में बात करेंगे पाखंड की, अंधविश्वास की, बच्चों के लिए लोग कैसे कैसे अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जा रहे हैं, आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ये तो आप फिल्मों में देखते थे, ये तो आप सीरियल में देखते थे, ये असल जिंदगी में लोग बाबाओं के ऐसे चक्कर में क्यों पड़ गए हैं, बहुत बड़ी खबर है। आठवीं खबर में बात करेंगे कैसे मध्य प्रदेश में एक पूरा गांव दशरथ मांझी बन गया है, और नौवीं खबर में दिखाएंगे एक गांव में लोगों ने पूजा का प्रसाद खाया, गाय के दूध से बने प्रसाद को खाकर कुत्ते का टीका लगवाने क्यों पहुंच गए हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है सुनकर, बहुत रोचक कहानी है और थोड़ी दर्दनाक भी। तो चलिए अब विस्तार से बात कर लेते हैं, और पहली खबर क्या है ये बता देते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, ईडी जा रही राहुल के घर है। तो चलिए खबर क्या है ये बता देते हैं, और सबसे पहले खबर जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं ईडी आ रही है, सुन रहे हैं ईडी आ रही है, हम नहीं कह रहे हैं भाई साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, वो भी 2 बजे रात को कह रहे हैं उठकर कि ईडी आ रही है, चाय बिस्किट लेकर तैयारी भी कर रहे हैं। ईडी मतलब समझ रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय, वित्तीय घोटाले की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी। अब जो लोग रात को जगे होंगे वो तो रात को 1:52 पर राहुल गांधी का ट्वीट देख लिए होंगे, लेकिन हम बहुत काम करते हैं गुरु, सुबह उठे हैं, उठते ही देखा पूरा बवाल मचा हुआ है। अब खबर क्या है सबसे पहले वो बता देता हूं, रात ठीक 1:52 पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, राहुल गांधी ने दावा किया कि ईडी उन पर छापेमारी की योजना बना रही है, और क्यों बना रही है, क्योंकि 2-in-1 को संसद में दिया चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया, 2-in-1 मतलब समझ रहे हैं, बिना नाम लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी का दावा है कि उनको ईडी के अंदरूनी लोगों से यह जानकारी मिली है, मतलब राहुल गांधी के लोग भी अंदर हैं क्या, इनके ट्वीट के बाद ये भी सवाल उठ रहा है, कह रहे हैं अंदर के लोगों से जानकारी मिली है कि ईडी उन पर छापेमारी का प्लान बना रही है, और आखिर में राहुल गांधी ने लिखा है कि आइए चाय बिस्किट के साथ इंतजार कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने इतना बड़ा दावा किया है तो सियासत तो होगी गुरु, राजनीति तो होगी, इसलिए शुरू हो गई राजनीति। सुन लीजिए पहले इस राहुल गांधी के ट्वीट के बाद नेता क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है, हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है, ये शर्मिंदित हैं। ये राजीव गांधी का बेटा है जिसने इस आधुनिक भारत का निर्माण किया है, ना इसे डरा सकते हो, ना इसे परेशान कर सकते हो, ना झुका सकते हो। अगर उन्होंने कोई पाप किया हो, होगा तभी उनको संदेह होगा। शंका तो लगी रहेगी ना जब आप निजी हमले करते रहेंगे। एक साजिश रची जा रही है, कुछ भी हो सकता है,
हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर, गुंडों की मदद लेकर। राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है ना कोई ढंग है। राहुल गांधी जी हूं या विपक्षी दल के कोई भी नेता हूं, इन्हें अखबार की सुर्खियों में रहना है। ना राहुल गांधी पहले डरा है, ना अब डरा है, ना आगे डरेंगे। एक बजकर 52 मिनट के एक ट्वीट पर देश के कितने बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। देश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, 8 से 9 विस्तार से सब कुछ तो दिखाता हूं। ऐसी सियासत राहुल गांधी नहीं करते थे, लेकिन आपको पता है केजरीवाल जेल जाने से पहले लगातार बोल रहे थे ईडी आने वाली है, ईडी गिरफ्तार करने वाली है, मुझे फंसाया जा रहा है, राजनीति हो रही है। 21 मार्च को जब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तो कहने लगे नेता, केजरीवाल भी तो कह ही रहे थे कि कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। राहुल गांधी से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। जून 2022 में ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिन करीब 50 घंटे पूछताछ की थी। 13 जून से 17 जून तक राहुल से हर दिन औसतन 20-25 सवाल पूछे गए, 20-25 सवाल। 5 दिन में राहुल गांधी से 100 से ज्यादा ईडी ने सवाल पूछे थे, 100 से ज्यादा। नेशनल हेराल्ड केस में 2015 में ईडी की एंट्री हुई थी। ईडी ने मई 2022 के अंतिम हफ्ते में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था, जिस पर खूब राजनीति हुई थी। और अब एक बार फिर राहुल गांधी को ईडी का डर सताने लगा है। राहुल गांधी ने चक्रव्यूह वाले बयान को लेकर छापेमारी की बात कही है। आज राहुल गांधी के उसी चक्रव्यूह वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। कहां, संसद में, सदन में। दोनों बयान सुना दीजिए। इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर, तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए, शकुनी चौपड़ चक्रव्यूह, और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुन तैसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था, और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। देश के बड़े बड़े नेता और सियासतदान हैं ये, इनके चक्रव्यूह की बात और महाभारत के संदेश में भी बहुत बड़ी राजनीति छिपी होती है, इसलिए विस्तार से विश्लेषण कर रहा हूं। अब चक्रव्यूह पर सियासत इतनी बढ़ गई कि राहुल गांधी ने अब ईडी की एंट्री करा दी है। देखिए आगे क्या होता है, फिलहाल मुझे आगे बढ़ने दीजिए। राहुल गांधी पर क्या कार्रवाई होगी उस समय तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं। आगे की खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। तो आगे की खबर क्या है डाल दीजिए जरा। विस्तार न्यूज ने खबर दिखाई, मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी निभाई। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री ने मेयर को कहां भेज दिया है, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? तस्वीर देखिए, मेयर उसी गांव में खड़े हैं। पूरी खबर दिखाऊंगा आपको। और कल मैंने कहा था ना आपसे कि बहुत जल्दी आपने अपना बना लिया है, बहुत जल्दी आपने भरोसा कर लिया है, और बहुत सुकून मिल रहा है विस्तार न्यूज परिवार को आपकी खबर दिखाने में और सीधे सीधे आपके मुद्दों की बात करने में। तो चलिए पूरी खबर क्या है ये आपको बता देते हैं, पूरी खबर विस्तार से समझा देते हैं। लोग परेशान होते हैं तो आपका अपना चैनल वहां पहुंच जाता है, हाल चाल जानता है, और फिर सिस्टम से सवाल पूछता है। और अगर आपके दिखाई गई खबर का असर हो जाता है ना, तो बहुत सुकून मिलता है, मन खुश हो जाता है। पहले शुक्रवार को क्या हुआ था ये बता देता हूं। पिछले शुक्रवार को जबलपुर के तेवर गांव की एक खबर दिखाई थी हमने, 1800 लोगों के बीच सिर्फ 300 चाले,
विस्थापन का दर्द झेल रहे परिवारों को सुनाया था, सिस्टम से सवाल पूछे थे और दूसरी खबर बिलासपुर की दो दिन पहले दिखाई थी कि 10 गांव में 9 दिन से लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, लोग परेशान थे। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक विस्तार न्यूज आपकी हर परेशानी में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, आपके साथ खड़ा रहता है। पहले ये दोनों रिपोर्ट देख लीजिए, फिर क्या क्या हुआ है विस्तार से बताएंगे। पहले दोनों रिपोर्ट दिखाइए जरा। जबलपुर शहर को सुंदर और स्मार्ट बनाने की कीमत आज हजारों परिवारों को चुकानी पड़ रही है। प्रशासन ने शहर के बीच बसी बस्तियों को जंगल में लाकर छोड़ दिया और ये हो गए भगवान भरोसे। समय में जिस घर में मौजूद हूँ ये किसी झोपड़ी से कम नहीं है। अंदर सीलन है, कीचड़ है, ऊपर आपको त्रिपाल दिख रही होगी। कहाँ ले चल रहे, कहाँ दिक्कत आ गई आपको? बिलासपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था चरमरास ही गई है। 9 दिन हो जो है खेती किसानी के कामों के लिए काफी समस्या हो रही है। किसान बिजली विभाग तक पहुंच रहे हैं, अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस तरफ लमेर खरगाना तरफ सभी तरफ है, लेकिन हमारे जो क्षेत्र है अभी खेधान नहीं लगा हम लोगों का। और 25 के ट्रांसफार्मर लगे है, ओवर लोड है। ये रिपोर्ट दिखाया तो दुखी था, 26 जुलाई और 31 जुलाई को इस खबर को दिखाते हुए दर्द महसूस कर रहा था कि कितने परेशान होंगे ये लोग, लेकिन आज खुश हूं, बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। दोनों ही खबरों का असर हो गया है। जबलपुर के तेवर गांव में विस्तार न्यूज के साथ खुद शहर के मेयर पहुंच गए हैं, प्रशासन की पूरी टीम पहुंची थी। जैसे ही खबर मुख्यमंत्री तक पहुंची, संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेयर से कह दिया, जाइए और लोगों की मदद कीजिए। ये कोई संवेदनशील व्यक्ति, संवेदनशील नेता और संवेदनशील मुख्यमंत्री ही ऐसी बात को और इन लोगों के दर्द को समझ सकता है। डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात को समझा और आज मदद पहुंच गई है तेवर गांव में। ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। दिखाइए जरा। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल, ये हम क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि जब हम विस्तार न्यूज पर आपके मुद्दे उठाते हैं तो जनप्रतिनिधियों को भी अपने चैम्बर से बाहर आना होता है। जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू आज विस्थापितों का दर्द जानने के लिए अपने ऑफिस से निकले हैं। तो ऐसी परिस्थिति है, ऐसी स्थिति है वहाँ पर कि खड़े होना पड़ता है। मैं महापौर अन्नू सिंह नाम है मेरा, ये हमारे नगर निगम के अध्यक्ष जी हैं, हमारे चैनल से भी आए हैं, जो उस दिन आपकी समस्या लेके आए थे, इनने आके मुझे समस्या बताई थी। मैंने कहा ठीक है, हम लोग विधायक जी और सब लोग साथ में सब चलेंगे एक बार में, जिससे एक बार में आपकी समस्या का समाधान कर दें। जिनके पट्टे हैं उनके सबके फार्म भराए जाएंगे, 3 किस्त में उनको पैसा आएगा। पहले 50,000 आता है, फिर उसके बाद 1,00,000 आएगा, फिर 1,00,000 आपको बनाते जाना पड़ता है और फिर वो आपको पैसा आता है। तो आखिरकार विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ और उन तमाम विस्थापितों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ी है, उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि आज पूरा नगर निगम का अमला जो है यहां पर पहुंचा है। विस्तार चैनल से यहां पर आए थे और आप लोगों ने विस्तार से यहां पर सारी बातें देखी थी, समस्या देखी थी, आपने मुझे भी बताई, माननीय विधायक जी को भी बताई, माननीय हमारे निगम अध्यक्ष जी को बताई। विधायक जी ने समय तय किया कि कब चलना है, आज हम लोग यहाँ पर आए। निश्चित तौर पर नगर निगम ने काम जरूर किए हैं यहाँ पर, परंतु बहुत कामों की आवश्यकता है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैंने विधायक जी और निगम अध्यक्ष जी ने बात करी थी यहाँ इस बस्ती के बारे में, उन्होंने कहा कि जो भी सुविधाएं व्यवस्थाएं चाहिए हैं कमी नहीं आएगी, आप लोग जाकर बात करिए और वहाँ पर काम शुरू करिए। आप गांव वाले जिंदाबाद, आप गांव वाले जिंदाबाद, आपकी खबर दिखाने की सौगंध खाई हम लोगों ने। खुश हैं गांव वाले, खुश हैं गांव वाले। और आज इस खुशी के मौके पर विस्तार न्यूज वही डटा हुआ है। दुर्गेश साहू को दिखा दीजिए, कहां दुर्गेश साहू खड़े हैं। बहुत बहुत बधाई आपको दुर्गेश, बहुत साधुवाद, बहुत शुक्रिया।
जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं ना दुर्गेश, तो मेरे रोंगटे खड़े हैं, मेरे रोंगटे खड़े हैं, क्योंकि यकीन मानिए गरीबों का ये दर्द कहां दिखाई देता है प्राइम टाइम में, गरीबों की ये परेशानी कहां दिखाई देती है। शहर के मेयर को पकड़कर कौन सा रिपोर्टर लेकर जाता है कि चलिए लोग परेशान हैं मेयर साहब, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जाइए महापौर जी, देखिए लोगों की परेशानी दूर कीजिए। दुर्गेश बहुत धन्यवाद, इसी तरह की रिपोर्ट आप हमारे बीच लाते रहिएगा और दिखाते रहिएगा। अगर नेटवर्क की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है तो बहुत संक्षिप्त में बताइए गांव वाले कितने खुश हैं। आप बिल्कुल देखिए, गांव वालों की खुशी का इस समय ठिकाना नहीं है, क्योंकि जिसको जिस बात की उन्हें उम्मीद ही नहीं थी, जिस बात की उन्हें कभी आशा ही नहीं थी, वो उम्मीद आज उनके चेहरे पर जागी है। और जिस दिन मैं आया था यहाँ पर सर, उस दिन मैंने यहाँ पर देखा था कि लोगों के चेहरे उदास थे, वो उम्मीद खो चुके थे, क्योंकि पिछले 4 सालों से वे इस बस्ती में थे। लेकिन आज इनके चेहरों पर खुशी देखिए, एक उम्मीद आपको नजर आएगी, और उम्मीद इसलिए नजर आएगी क्योंकि आज पूरा प्रशासन कामला जिस जरा बात कर लीजिए दुर्गेश इन्हीं को सुनाइए, आज तो इनको सुनने का दिन है, बात करिए, सुनाइए जरा। आज से लगभग 4 दिन पहले जिस हिसाब से आपने जो हम बस्ती वालों की समस्याओं को देखा और देख करके माननीय महापौर जी को अवगत कराया, माननीय विधायक जी को अवगत कराया, और इसी न्यूज चैनल के माध्यम से आज जिस प्रकार से माननीय महापौर जी पूरा नगर निगम का अमला को साथ में लेकर के, माननीय विधायक जी को साथ में लेकर के आते हैं और आकर के हम सभी बस्ती वासियों के लिए आवास योजना से लेकर के जल की व्यवस्था, पाइपलाइन की व्यवस्था, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनमें हर एक समस्या को उन्होंने सुना और उसे हल करने के लिए यहाँ पर उम्मीद की किरण दी है। 6 महीने के अंदर बोला है कि हर समस्या का हल हो जाएगा, 6 महीने के अंदर बोला गया है समस्या का हल हो जाएगा, और ऐसा लग भी रहा है। और जब तक आप लोग साथ में हो इस न्यूज़ के माध्यम से, तो हम लोग को लग रहा है कि आवास योजना भी हम लोग को जल्द से जल्द मिल जाएगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस न्यूज़ का कि जो बिल्कुल लगा हुआ है, और हम लोग भी पीछा नहीं छोड़ेंगे न्यूज़ का, जब तक ये साथ पे लगे रहेंगे हम भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और ना आप हमारा छोड़िएगा। क्या कितनी खुशी हुई आज आप लोगों को, बहुत खुशी हुई, जो खुशी आपके ही आने से हुई है, और आपने ही हम लोगों के लिए सोचा। बाकी तो यहाँ जो भी आते थे सुन के सिर्फ चले जाते थे, करते कोई कुछ नहीं थे लोग, हम लोग तो सोचे सिर्फ ऐसे ही में रहना पड़ेगा। दुर्गेश, लेकिन आपने आके लोगों के लिए सुविधाएं भी हुई। दुर्गेश मिल गया जवाब, दुर्गेश मिल गया जवाब। और दुर्गेश, कोई गांव का शख्स अगर ये कहने लगे कि आप ही के आने से खुशी आई है, आप ही के आने से तसल्ली मिली है, आप ही के आने से सिस्टम आया है, इसीलिए कहते हैं विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, विस्तार न्यूज इमोशनल चैनल है। आज विस्तार न्यूज के दफ्तर पर बैठे एक एक शख्स को अंदर से खुशी मिल रही है, क्योंकि हमारी बुनियाद में ही आप हैं, हमारी नींव में ही आप हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका, इसी तरह से डटे रहिएगा। और हाँ, गांव वाले ने कहा है कि आप आते रहिएगा, और आपने भी उन्हें आश्वस्त किया है कि आप हमारा पीछा मत छोड़िएगा, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। देश में गरीबों की आवाज सुनता और दिखाता विस्तार न्यूज, आवाज से अंजाम तक पहुंचता विस्तार न्यूज, बहुत खुश हुई। चलिए अगली खबर बता देता हूं आपको, अगली खबर क्या है, अगली खबर भी असर वाली है। कहां की है? उधर बिलासपुर के गांव में बिजली आ गई है, 9 दिन से 10 गांव में बिजली नहीं थी, ट्रांसफार्मर लग गया है भाई साहब। बिलासपुर से आई ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर तस्वीर तेवर गांव की भी दिखाएंगे, लेकिन पहले विस्तार न्यूज में ये बिलासपुर की जो खबर थी वो दिखाई। सुविधा बढ़िया बनाया रहा इसने, कितने दिन बाद लाइट आई है आज? 9 दिन बाद। मंडी साहब के पास गए तो आप मन मुलाकात हुई चैनल वाला मंत्री, 18 तारीख को मतलब यानी कि ट्रांसफार्मर जल गया, फोन किए हम लोग लाइनमैन को 19 तारीख को, ऐसा ऐसा बात है आके बोला, चेक किया, चेक करने के बाद वो बोले कि जल गया, बोले ठीक है, तो रिपोर्ट बना के 23 तारीख को दिया, जबकि कल आके मतलब यानी कि ट्रांसफार्मर लगाए हम लोग, उसके पहले 2 दिन वहाँ गए थे, 2 दिन में जाने के बाद मतलब यानी कि बोले ठीक है, उसके बाद हमको जानकारी नहीं है, कल लगा के चले गए हैं।
इतने दिन से परेशान थे और कोई आया और लगा चला गया, पता ही नहीं चला। क्यों पता है? क्योंकि सीधे मुद्दे की बात में इनकी समस्या दिखाई गई थी। गांव के लोग खुश हैं। 18 तारीख से परेशान थे, बिजली नहीं थी, गांव में शिकायत कर रहे थे। 31 तारीख को विस्तार न्यूज ने इनका दर्द दिखाया और 1 अगस्त को कार्रवाई हो गई। खुशी की खबर है, गांव वालों को बधाई, सबको बधाई। और आशीष दुबे, आप इसी तरह से बिलासपुर संभाग के कोने कोने में जाते रहिएगा, आपको भी बहुत बधाई क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाई। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और इस खुशखबरी के साथ अगली खबर क्या है? ये मौत का कुआं सर्कस वाला नहीं है। आप जाते हैं बाजार में, जाते हैं मेला में, जाते हैं और वहां देखते हैं कि सर्कस चलते रहता है, मौत का कुआं, गाड़ियां चलती रहती हैं, लेकिन ये जो है ये मौत का कुआं सर्कस वाला नहीं है, जिंदगियां ले रहा है। 25 लोगों की मौत हो गई है कुएं में। क्या है पूरी खबर जानना चाहते हैं, चलिए विस्तार से बता देता हूं। आपके घर में कुआं है, घर में नहीं है तो आसपास तो होगा ही, कुआं गंदा होगा तो सोचते होंगे सफाई कर ली जाए, नहीं तो गांव में घूमते टहलते किसी काम से ही कुएं में उतर जाते होंगे। मत उतरिए, जान चली जा रही है, मौत हो जा रही है। सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 महीने में 25 लोगों की मौत हो गई है, मार दिया है इस कुएं ने। आज सुबह सुबह फिर से एक मनहूस खबर आई है, पूरी खबर जान लीजिए, इसके बाद फिर बताऊंगा आपको कि क्यों आपको वहां नहीं जाना है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुएं में दम घुटने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक शख्स कुएं में सफाई करने उतरा था, एक के बाद एक 4 लोग कुएं में गए और लौट कर नहीं आए, कुएं में जहरीली गैस की जद में आकर जान गंवा दी, मौत हो गई है 4 लोगों की। गड़ी मलहरा थाना क्षेत्र के कुर्रा गांव की घटना है। क्या है पूरा मामला, कैसे घटना हुई, परिजन और डॉक्टर बता रहे हैं, पहले सुन लीजिए फिर आगे की बात करूंगा। सुनाइए जरा। कुइया में उतरने से उसमें कुइया में जहरीली गैस थी, तो एक लोग उतरे, एक लोग के साथ 3 लोग और उतरे बचाने के लिए, उसी में 3 लोग गैस के कारण खत्म हो गए। अब साफ सफाई करना था, अब हम लोग तो बाहर जैसे काम वाम करके आए थे, मालूम नहीं था, जब देखे तो वहाँ 3-4 लोग डले थे उसी में। 4 लोगों को हमारे पास में लाया गया है कुर्राहा गांव से। परिजनों ने बताया कि कुएं की सफाई और खुदाई के चल रही थी, तो पहला एक आदमी वहाँ पे कुएं में गिरा, गिरने के बाद में दूसरा आदमी उनको बचाने गया, इसी तरीके से 2 लोग और उनको बचाने गए, और जैसे ही वहाँ पे गिरे तो उनको दम घुटने से वहाँ पे उनका, और वो सांस नहीं ले पाया, मृत्यु हो गई उनकी। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये पानी का कुआं नहीं, मौत का कुआं है। इन कुओं ने 2 महीनों में 25 लोगों को आपके प्रदेश में मार दिया है। सिर्फ बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कर रहा हूं, शुरुआत आज से करते हैं, यानी 2 अगस्त को मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुएं ने 4 लोगों की जान ले ली, 4 लोगों। पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से खबर आई, 27 जुलाई को कुएं ने 3 लोगों की जान ले ली। पंप की सफाई करने के लिए 55 साल के आत्माराम साहू कुएं में उतरे थे और बेहोश हो गए। मदद के लिए 2 और हाथ बढ़े, उसे भी जहरीली गैस ने दबोच लिया और तीनों की मौत हो गई। इस घटना से ठीक एक दिन पहले 26 जुलाई को मध्य प्रदेश के कटनी से खबर आई थी, यहां भी कुएं ने 4 लोगों की जान ले ली। सोचिए कैसे लोगों की मौत हो जा रही है। जुलाई में 5 तारीख को छत्तीसगढ़ में कुएं ने एक ही दिन में 9 लोगों को मार दिया, 9 लोगों। जांजगीर चांपा में 7 लोगों की मौत हो गई और उसी दिन कोरबा में कुएं ने 4 लोगों को मार दिया। इससे ठीक एक महीने पहले मध्य प्रदेश के सतना से भी खबर आई थी, यहां भी कुएं ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सोचिए आप। और आपको पता है ये जान कैसे गई? ये सभी कुएं में जहरीली गैस की जद में आ गए, दम घुटने लगा और मौत हो गई, जान चली गई। अब इतने लोगों की मौत हो रही है तो विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, हर बार कहता हूं आपकी फिक्र है। तो एक्सपर्ट से बात करने हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर पहुंच गए। इस मामले में एक्सपर्ट राय भी सुनना बहुत जरूरी है, और मैं इस खबर को इसलिए दिखा रहा हूं कि गांव में बैठे हमारे साथी, हमारे भाई इस खबर को देखें और बचें ऐसी घटना से। 4-4, 5-5, 8-8, 9-9 लोगों की मौत हो जा रही है, कैसे बच सकते हैं यह भी तो बताना पड़ेगा, यह भी तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, कैसे बच सकते हैं, यह विस्तार न्यूज सुना रहा है, सुन लीजिए। मीथेन गैस जो बनती है, इस तरह के जो तमाम सड़े गले पदार्थ हम डालते रहते हैं, डग वेल्स जो गहरे होते हैं उनमें, और उसकी सफाई के बहाने जब उतरते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है,
जब ऑक्सीजन कमी होती है इस तरह गैसेज अपना इफेक्ट करती हैं जल्दी, उस वजह से इस तरह घटनाएं होती हैं। लेकिन सावधानी अगर हम बढ़ते हैं तो घटनाएं नहीं होंगी। उदाहरण के लिए हम लोग मास्क का यूज करें, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखें, तो आसपास हमारे सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं उनका हम ध्यान रखें या व्यवस्था पहले करके रखें अल्टरनेट अरेंजमेंट, तो घटनाएं नहीं होंगी। सड़ा गला चीज मत डालिए, कह रहे हैं एक्सपर्ट, कचरा मत डालिए कुएं में, चल रहे हैं पॉलीथीन है, कोई नहीं देख रहा, कुएं में डाल दो। अरे मत करिए ऐसा भाई, आपकी जान पर ही आफत आती है। किसकी? आपके हमारे ऐसी हरकतों से। मत करिए, सफाई करने उतरिए तो सुरक्षा मानकों का ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, आपकी जान बच जाए, इसलिए एक्सपर्ट को सुना रहा था। ध्यान रखिए, आपकी जान कीमती है, हर दिन कहता हूं, इतनी सस्ती नहीं। खबर क्या है अगली, ये बता देता हूं आपको क्या है खबर, दिखा दीजिए भाई। बच्चों से भरी बस बाढ़ में डाल दी, कितने लापरवाह लोग होते हैं। देखिए बस और बीच में बाढ़, पुल के ऊपर पानी, हर दिन कह रहा हूं पिछले एक महीने से, मत करिए ऐसा। और इस खबर को आप देखेंगे, गुस्सा आएगा आपको, गुस्सा आएगा ऐसे चालक पर। ये एक तस्वीर है, ऐसी कई तस्वीर है जो आपको परेशान करेगी। और मैं कहता हूं बाढ़ बारिश जब तक है तब तक आपको ये खबर दिखाऊंगा। चलिए खबर क्या है ये बता देता हूं। बहुत बारिश हुई है मध्य प्रदेश में, बहुत भयंकर बारिश हुई है। भोपाल में तो सब कुछ उथल पुथल हो गया है, झील का जलस्तर बढ़ गया है। इतनी बारिश हुई है कि भदभदा डैम का चौथा और पांचवा गेट खोलना पड़ गया है। देख लीजिए तस्वीर, दो तस्वीर दिखा रहे हैं, एक गेट चौथे और पांचवें गेट खुलने के पहले की है और दूसरी बाद की है। कितनी भयावह तस्वीर है, संभल के रहिएगा, नदी नाले के तरफ गलती से भी मत जाइएगा, थोड़ी सी लापरवाही होती है तो बड़ी दुर्घटना घट जाती है। डिंडौरी से बहुत विचलित करने वाली खबर सामने आई है, देख लीजिए। सिवनी नदी एकदम से उफान पर है, डायवर्जन पर पानी चढ़ा हुआ है, घुटने तक पानी आ चुका है, लेकिन कांवड़िए फिर भी डायवर्सन क्रॉस कर रहे हैं। देखिए सैकड़ों की संख्या में कांवड़ियां नजर आ रहे हैं, सब एक दूसरे का सहारा लेकर धीरे धीरे डायवर्जन पर चलते दिख रहे हैं। बहुत बड़ी लापरवाही है कांवड़ियों की भी और इससे भी ज्यादा प्रशासन की। जसपुर की तस्वीर दिखा देते हैं। आज हमारे साथी संजय ठाकुर ने भेजी है, देखिए बाढ़ का पानी कैसे सड़क के ऊपर से बह रहा है। पानी की रफ्तार बहुत तेज है, फिर भी लोग दोनों तरफ से आर पार हो रहे हैं। इतना पानी है कि मोटरसाइकिल रोड के उस पार से उस पार नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी लोग मोटरसाइकिल को कंधे पर उठा लिए हैं। और समझिए, ऐसे इलाकों में मोटरसाइकिल उठा के आर पार करवाने का 100 रुपया 150 200 रुपया लिया जाता है। मतलब जान जोखिम में डालते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, उसकी कीमत लेते हैं, लोग देते हैं। मोटरसाइकिल तो छोड़िए, इतने रिस्की माहौल में भी छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर सड़क पार कराया जा रहा है। मत कीजिए, जब पता है बाढ़ बारिश अभी जान के दुश्मन बनी बैठी है तो क्या जरूरत है इतना बड़ा रिस्क लेकर रोड पार करने की। बच्चियां स्कूल की देखिए ड्रेस में खड़ी, रुकिए अभी और दिखा देता हूं, इससे भी भयावह तस्वीर। ये पीली कलर की बस देख लीजिए, स्कूली बस है, कैसे सड़क पार करने के लिए बाढ़ में उतार दिया गया है। बहुत बड़ी लापरवाही है, एक साथ कई लोगों के जान का रिस्क है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोंडागांव में दिखाइए कोंडागांव की तस्वीर, कोंडागांव में बहुत बारिश हुई है, इतनी बारिश की हाहाकार की स्थिति बनी हुई है, सब कुछ अव्यवस्थित चल रहा है, यही दिखाने हमारे संवाददाता कोंडागांव पहुंचे थे। देखिए कैसे पूरी सड़क पानी में डूबी हुई है, बच्चे इसी डूबी हुई सड़क से स्कूल जाने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं बच्चों को है, छोटे छोटे बच्चे कैसे कटे हुए सड़क से गुजर रहे हैं, पीठ पर बस्ता है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर जैसे तैसे सड़क पार करने में लगे हुए हैं। हमारे संवाददाता सुनील यादव जब लोगों का हाल दिखाने कोंडा गांव के नारायणपुर पहुंचे तो वो खुद लुंगी पहनकर नाले में उतर गए। और मैं इसीलिए तो कहता हूं, खबर को जीना पड़ता है, खबर को महसूस करना पड़ता है, खबर को फील करना पड़ता है। और जब मेरे सहयोगी लुंगी पहनकर उतरे हैं, लोगों की परेशानी जानी है तो उसको उसी के अंदाज में दिखाया जाना जरूरी है, यही विस्तार न्यूज की खासियत है। मैं बार बार कहता हूं, दिखाइए जरा, दिखाइए क्या भेजा है उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट। ये नदी चिखला पारा और बुडरा पारा के बीच में बहने वाली नदी है, ये नदी नहीं ये नाला है, जहां पर बरसात का पानी इकट्ठा होकर इस तोतर का जो गाँव है, ग्राम पंचायत है, उसके दो मोहल्लों के बीच से गुजरता है। और बरसात में ये स्थिति बन जाती है कि ये देखिए मेरे पीछे दो बुजुर्ग पार हो रहे हैं और दोनों बुजुर्ग बुडरा पारा जो गांव है उस तरफ से चिखला पारा की ओर आ रहे हैं। बहुत बुरा हाल है,
आदत हो गई है अव्यवस्था में जीने की। खैर, अब आगे सूरजपुर की तस्वीर दिखाते हैं। दिखाइए जरा, बीते 24 घंटे में लगातार हो रही बारिश ने खतरे की घंटी बजा दी है। तस्वीर में देख लीजिए, डैम के ऊपर से पानी गिर रहा है। बहुत ही डरावने वाली तस्वीर है। चिकनी गांव में स्थित पावर प्लांट डैम है। ऐसी स्थिति हो गई है कि आधा दर्जन गांव को अलर्ट कर दिया गया है। कांकेर की बात करते हैं, एनीकट डैम की तस्वीर देखिए। बारिश ने देखिए क्या हाल करके रख दिया है। नदी पूरा उफान पर है। ऐसी हालत हो गई है कि कई गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। और हालत देख लीजिए, लोगों को जरूरत पड़ती है तो ऐसी ही जान हथेली में लेकर सड़क पार करने लग जाते हैं। देख लीजिए कितनी खतरनाक तस्वीर है। थोड़ी सी भी गलती होगी तो सीधे नुकसान, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। महिला, बच्चे, पुरुष, जवान, बूढ़े सब अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और हर दिन मैं कह रहा हूं, मत करो ये सब। बारिश में हम आपको लगातार प्रशासन की खुलती पोल की तस्वीर दिखाते हैं। मनेंद्रगढ़ और कटनी की तस्वीर देख लीजिए। दोनों तस्वीर स्कूल की है। देखिए कैसे क्लासरूम में पानी टपक रहा है, बच्चे गीली क्लास में पढ़ाई करने को मजबूर है। मनेंद्रगढ़ और कटनी दोनों ही जगह कॉन्क्रीट की छत है जिसमें छेद हो चुका है और इसकी जर्जर छत के नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सोचिए कितनी दर्दनाक और भयावह तस्वीर है। छोटे छोटे बच्चों का मसला है, और ठीक उसी तरह से सोचिए कि आपके बच्चे अगर पढ़ रहे होते तो क्या बीतती आप पर, क्या गुजरती आप पर। इस खबर को दिखाएं ना, इनकी परेशानी ना दिखाएं। यही करेंगे सीधे मुद्दे की बात, मतलब यही होता है। मुद्दे की बात मतलब यही होता है कि टपकती छत के नीचे आपका बच्चा नहीं पढ़ने देंगे। चलिए, जो भी व्यवस्था में खामियां रहेंगी वो दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन अगली खबर क्या है? अगली खबर है, सड़क बना दीजिए, 10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। देख लीजिए, यह स्थिति है अगर आजाद भारत की तो यह तस्वीर बदलनी चाहिए। यह तस्वीर बदलनी चाहिए। न जाने कितनी सरकारी व्यवस्थाएं हैं जिसको देने का दम भरती हैं सरकारें, लेकिन ऐसी तस्वीर अगर आती रहेगी तो विस्तार न्यूज दिखाता रहेगा। बाकी तो चैनल है ही है डिबेट दिखाने के लिए। हम खबरें दिखाते हैं और सिर्फ आपकी खबर दिखाते हैं। चलिए, खबर क्या है वो बता देता हूं। साल 1947 में देश आजाद हुआ। भारत बहुत आगे बढ़ गया है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश तेजी से विकास भी कर रहा है। पिछले शनिवार को नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की भूमिका अहम होगी। मतलब राज्यों में विकास होगा तभी देश विकसित होगा। एक तरफ चमचमाती सड़कें, हाईवे बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो परेशान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। आप ये दो तस्वीरें देखिए, दिखा दीजिए जरा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की तस्वीर और मध्य प्रदेश के बैतूल की तस्वीर। एक जगह जिंदा महिला को इलाज के लिए 10 किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ा क्योंकि सड़क नहीं थी। वहीं बैतूल में मौत के बाद एक शख्स को पोस्टमार्टम के लिए 10 किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ा। विकास के लिए रोड मैप तैयार हो रहे हैं, संसद से बजट पेश हो रहे हैं, लेकिन ये विकास जिलों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री के सपनों के साथ जिलों में, ब्लॉक में, गांव में बैठा सिस्टम खिलवाड़ कर रहा है। नहीं बना पा रहे ये सड़क, नहीं बना पा रहे। बैतूल के दानवा खेड़ा गांव की तस्वीर है। नदी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस तो पहुंची, लेकिन शव को ले जाने के लिए गांव में पक्की सड़क नहीं थी। गांव वाले 10 किलोमीटर तक शव को कंधे पर ले जाकर रामपुर पहुंचे और वहां से शव को अस्पताल पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक महिला खाट पर लेटी हुई है। दो लोग उस खाट को पालकी बनाकर एम्बुलेंस तक ले जा रहे हैं। इस खाट पर महिला नहीं, नारायणपुर का सिस्टम लेटा हुआ है जो इस महिला के गांव तक सड़क नहीं पहुंचा पाया है। ऐसा नहीं है कि इस महिला को खाट पर 1-2 किलोमीटर ले जाया जा रहा है। आपको पता है 10 किलोमीटर दूर से इस महिला को एम्बुलेंस तक लाया गया, मतलब 10 किलोमीटर तक सड़क नहीं है, इसीलिए तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही। लेकिन इन दोनों स्वास्थ्य कर्मियों को सलाम है। जो अच्छा करेगा उसको सलाम है, उसके सामने नतमस्तक भी हैं जिन लोगों ने इस महिला की जान बचाने के लिए इनकी मदद की। और इन दोनों के साथ ही नारायणपुर के CMHO डॉक्टर TR कंवर को भी धन्यवाद, जिनके कहने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम बीमार महिला को लेने पहुंची। और जब महिला के गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई तो 10 किलोमीटर स्वास्थ्य कर्मी खाट पर लिटाकर महिला को एम्बुलेंस तक ले आए और अस्पताल पहुंचाया। आजाद भारत में रहते हैं ये लोग, सरकार तो इनके इलाकों में विकास के लिए पैसे भेजती है, कहां जा रहा है इनके हक का पैसा, जिसकी वजह से इन लोगों तक सड़क नहीं पहुंच पाई। आपका अपना चैनल इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। बस इसीलिए आप लोगों को हक मिले, सड़क बन जाए, आपके गांव में सुख सुविधा पहुंच जाए, ऐसी तस्वीरों को दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे और सिस्टम को जगाते रहेंगे। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर क्या, ये बता देते हैं। पाखंड से बच्चे नहीं होते, ये खबर सुनेंगे तो बहुत रोचक भी है और थोड़ा पागलपन भी है। आपको लगेगा क्या क्या हो रहा है गाँव में भाई। और बाबा जो दुकान चला रहे हैं कह रहे हैं नींबू चाट लीजिए, थोड़ा सा नींबू चाट लीजिए, बच्चा पैदा हो जाएगा। अरे क्या मजाक कर रहे हैं भाई, क्या मजाक कर रहे हैं। किसी बाबा ने कह दिया एक महिला को कि ऐसा करिए कि आप 9 महीने तक किसी को टच मत करिएगा, लड़का ही पैदा होगा।
मरने की स्थिति आ गई। डॉक्टर ने कहा भाई लड़का बच्चा बिटिया जो पैदा हो जाएगी, लेकिन अभी अपनी जान तो बचाओ। खबर जानना चाहते हैं, चलिए आइए विस्तार से बता देता हूं खबर क्या है वो बता देता हूं। अंधविश्वास की खबर दिखा देते हैं, दो दो खबर आई है हमारे पास, एक मध्य प्रदेश के दमोह की है और दूसरी छत्तीसगढ़ के महासमुंद की। बहुत बड़ा झोल चल रहा है। दमोह में एक महिला फर्जी बाबा के चक्कर में आ गई। लड़का पैदा होने के लिए बाबा ने बहुत गजब का नुस्खा बता दिया जो महिला को बहुत भारी पड़ा। वहीं दूसरी ओर महासमुंद में एक बाबा बहुत अनोखे तरीके से संतान पैदा करवाने का दावा करते हैं। दोनों खबर फर्जी बाबा और झाड़ फूंक से संबंधित है और आपको सावधान करने वाली है। कौन चक्कर में फंसता है? गांव के सीधे साधे लोग कौन चक्कर में फंसता है? पढ़े लिखे लोग थोड़ी फंसते हैं, इसलिए दिखाना बहुत जरूरी है। आप लोग ही पड़ जाते हैं ऐसे बाबाओं के चक्कर में। चलिए पहले दमोह की बात कर लेते हैं। एक परिवार बेटे की चाहत में इतना उलझ गया कि उसको हकीकत और अंधविश्वास में कोई फर्क ही नजर नहीं आया। अमझेर गांव में रहने वाली कमलेश रानी 6 बार गर्भवती हुई थी, हर बार बिटिया पैदा हुई। ऐसे में दोनों पति पत्नी चाह रहे थे कि घर में अगला बच्चा बेटा हो। दोनों पति पत्नी एक बाबा से मिले, जहां बाबा ने सलाह दी कि अगर किसी बाहरी आदमी ने महिला को टच किया तो कभी बेटा नहीं होगा। अरे बाबा कहां आइए, बाबा कैसी सलाह आई, सोचिए कैसा कैसा आइडिया बताते हैं बाबा लोग बेटा पैदा करने का। महिला ने बाबा से बात की और उस बात को इतना सीरियस ले लिया कि खुद को सबसे दूर कर ली। महिला एकदम से आइसोलेट हो गई, सबके साथ मिलना जुलना छोड़ दिया। महिला गर्भवती थी, ऐसे में इलाज पानी नहीं मिलने पर सीवियर एनीमिया की शिकार हो गई, यानी कि खून की कमी, हीमोग्लोबिन गिरकर 3.6 ग्राम पर आ गया था। वो तो आशा कार्यकर्ता थी, जिसको सूचना मिली तो स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद जैसे तैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला को अस्पताल लेकर आई। पहले तो महिला ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया था कि कोई छूना मत, लेकिन जब खूब समझाया बुझाया गया कि अरे भाई जान चली जाएगी, मर जाओगी, तब महिला हॉस्पिटल आई और बच्चे की डिलीवरी की गई। क्या कह रही है आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग की टीम, जरा ये भी सुन लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कितनी मशक्कत करनी पड़ी इस महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए। सुनाइए। 8वां बच्चा था महिला का, तो वो हाई रिस्क में थी और इनका मतलब मिथ था कि ये मतलब महिला को कहीं भी लेके नहीं जाएंगे, बंदेज किया है हम, लड़का होगा इसलिए हम कहीं नहीं लेके जाएंगे बच्चे महिला को। सारी टीम आई यहाँ पर, विजिट किया हम लोगों ने, महिला को समझाया, उनके परिवार वालों को समझाया, फिर उसके बाद सब तैयार हुए महिला को ले जाने के लिए। यहाँ पर जो उसका ब्लड निकला वो 3.6 ग्राम निकला, तब अंतरा फाउंडेशन और BCM ने दोनों ने काउंसिल करके जैसे तैसे करके महिला को शिफ्ट करवाया। शिफ्ट करवा के जिला अस्पताल में ब्लड की व्यवस्था करके उसको 2 यूनिट ब्लड लगा और वहां पर उसने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया। सुन लिए ना, फिलहाल महिला की डिलीवरी हो गई है और हाँ बेटा ही हुआ है। अंधविश्वास की बहुत बड़ी घटना है, ऐसे में जान का भी खतरा रहता है, इसलिए अंधविश्वास से दूर रहिए। अब दूसरी खबर बता देते हैं। महासमुंद में तो गजब बाबा है, महासमुंद में रिश्तों पर नहीं बल्कि एक बाबा लोगों को नींबू पर भरोसा करवा रहे हैं। महिलाओं को नींबू खिलाकर संतान प्राप्ति का दावा कर रहे हैं ये बाबा जी। क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं आप? जगह बता देता हूं, जान लीजिए। महासमुंद से 125 किलोमीटर दूर बूटीपाली गांव है, वहीं पूरा ये फर्जी खेल चल रहा है। तस्वीर देखिए, यही वो बाबा जी हैं जो लोगों को नींबू में भरोसा करवाते हैं। बाबा का नाम पीताम्बर जगत है, पीताम्बर जगत। ये बाबा दरबार लगाते थे, जिसके बच्चे नहीं हैं वैसी महिलाएं बाबा के पास आती थी। बाबा सभी को नींबू और मंदार का फूल देते थे, कहते थे नींबू और मंदार खा लो गर्भवती हो जाओ। बाबा की हैनक ऐसी थी कि हर तरफ से लोग मिलने आते थे, गाँव में गाड़ियां भरी हुई रहती थी। देखिए महिलाओं की कितनी भीड़ है, बाबा से मिलने के लिए सब लाइन में लगी हुई है, लेकिन अभी बाबा के अंधविश्वास का कारनामा बंद हो गया है, ठप चल रहा है, क्योंकि प्रशासन ने शिकायत मिलने पर बहुत कड़े शब्दों में कह दिया है कि अफवाह फैलाकर दुकान चलाना बंद कर दीजिए बाबा जी। हमारे संवाददाता बूटीपाली गांव पहुंचे थे, बाबा ने ऑफ कैमरा बताया कि वो 15 साल से लोगों को ऐसे इलाज करते आए हैं गाँव वाले। और प्रशासन ने पीताम्बर जगत बाबा के बारे में क्या कहा है ये भी सुन लीजिए, सुनाइए जरा। ये हर सप्ताह मंगलवार और शनिवार को बाबा का दरबार सजता था, हजारों लोग आते थे।
बहुत बहुत दूर दूर से दर्शक आते थे संतान के लिए एवं बीमार के लिए। 2022 से लोग आते थे और झाड़फूंक भी करते थे और निसंतान वाले भी देखते थे बाबा। ये पूर्णतः भ्रामक है तथा ये विज्ञान को चुनौती देने वाला कार्य है। तो फिलहाल बाबा के धंधे पर हंटर चला है, दरबार बंद कर दिया गया है। बाबा लोग मत कीजिए ऐसा फर्जीवाड़ा, मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये दिखा देता हूं। दिखाइए भाई, पूरा गांव बना दशरथ मांझी। ये खबर बड़ी रोचक है, बड़ी खबर रोचक है। जब आपको दिखाने से पहले मैं पढ़ रहा था तो मैं खुद कह रहा था कि क्या गांव वाले ऐसा कर सकते हैं। एक कागज और आ गया है, बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में बताऊंगा। ये पूरा आदेश जारी हो गया है, विस्तार न्यूज खबर लगातार दिखा रहा है, आदेश सरकार ने जारी कर दिया। इस पन्ने में क्या लिखा है ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस खबर को देख लीजिए। खबर क्या है, पूरा गांव बना दशरथ मांझी और इसी तरह से फावड़े लेकर पहाड़ खोदने निकल गया। चलिए आइए पूरी खबर क्या है ये बता देता हूं। पूरी खबर है, आपने एक कहानी सुनी होगी दशरथ मांझी की, कुछ लोगों ने तो फिल्म भी देखी होगी, देखिए नहीं देखिए, कैसे दशरथ मांझी अपने प्यार के लिए पहाड़ काट के रास्ता बनाते हैं। देखिए ना, नहीं देखिए, नहीं देखे हैं तो आज कई दशरथ मांझी से मिलवाते हैं आपको। चलिए, दशरथ मांझी की कहानी ऐसी है कि जिसे दो प्यार करने वाले अक्सर प्यार की मिसाल के तौर पर देखते हैं। अब कभी कभी कुछ खबरें ऐसी आती हैं कि दिमाग और भावनाएं कंफ्यूज हो जाती हैं। इस खबर में प्रशासन को जिम्मेदार ठहराऊं, उनकी जिम्मेदारी तय करूं या लोगों के जज्बे को सलाम करूं। देखिए लोग क्या काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसी ही एक खबर आई है मध्य प्रदेश के बड़वानी से। बड़वानी में एक गांव है मतरकुंड। मतरकुंड गांव में करीब 1500 लोग रहते हैं और गांव जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि गांव में जाने के लिए एक पहाड़ पार करना पड़ता है। अब आप बताइए कि पता चले कि ये गांव में जाने का रास्ता ही नहीं है तो इस खबर में सिस्टम की जिम्मेदारी तय करते हुए गुस्सा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? पहले पूरी खबर जानिए फिर आगे की बात करता हूँ। बड़वानी के मतरकुंड गाँव में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब क्योंकि रास्ता नहीं है इसलिए कार नहीं आ सकती, और कार नहीं आती तो सरकार भी आ जा नहीं सकती, आज तक नहीं पहुंची और नहीं आ पाई है कोई सरकारी सेवा। एम्बुलेंस जैसी आपातकालिक सेवा के लिए भी लोगों को पहाड़ पार करना पड़ता है। बस यही घटना हुई मतरकुंड के रुमालिया नाम के व्यक्ति के साथ। रुमालिया की पत्नी गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, लेकिन जब डिलीवरी के आखिरी समय में उनकी पत्नी को दर्द शुरू हुआ तो एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी। एम्बुलेंस तो आ गई लेकिन पहाड़ पार नहीं कर सकती थी। रुमालिया ने अपनी पत्नी को लेकर पहाड़ पार करने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ पार करने से पहले ही रुमालिया की पत्नी ने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। ऐसी दर्द भरी कहानी कोई एक नहीं है। मतरकुंड गाँव में ऐसा दर्द हर दूसरे व्यक्ति का है। ऐसा ही कुछ हुआ एक आदिवासी महिला के साथ। कुछ महीने पहले की बात है, उनकी बेटी के 8 महीने की प्रेग्नेंट थी उनकी बेटी भी। अचानक एक दिन तबीयत खराब हुई, बेटी को अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन पहाड़ पार नहीं कर पाए और बेटी की जान चली गई। सोचिए कितना दुखद होगा किसी इंसान के लिए जिसकी पत्नी, जिसका बच्चा उसके सामने केवल इसलिए दम तोड़ दे रहा है क्योंकि वो उसे चाह कर भी अस्पताल नहीं ले जा पा रहे हैं, इलाज मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। जब गाँव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हुए और प्रशासन ने भी उनकी नहीं सुनी तो पूरा गाँव ही दशरथ मांझी बन गया। गाँव के हर व्यक्ति ने मिलकर इस पहाड़ को काटने का ठान लिया और आज पूरा गाँव इस पहाड़ को काट रहा है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। वो नहीं चाहते हैं कि अब आगे से कोई भी इस गांव में केवल इसलिए दम तोड़ दे क्योंकि वो उन्हें अस्पताल नहीं ले जा पा रहे हैं। हमारे सहयोगी गए हैं वहां, जफर अशरफी जा रहे हैं। देखिए आप कैसे, कितनी मशक्कत से जब इनको जाना पड़ रहा है तो वहां के गाँव वाले जो होंगे, सोचिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। सिस्टम को ये देखना और समझना चाहिए कि किसी को इतना भी मजबूर ना करें कि आपसे उम्मीद ही छोड़ दें। जब ये खबर आई तो हमने भी अपने सहयोगी जफर अशरफी को कहा जाइए और लोगों से बात करिए, देखिए लोग क्या कह रहे हैं। जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी सुनने के लिए विस्तार न्यूज तो पहुँचता है मैदान पर। हमारे सहयोगी गए और पहाड़ काट रहे लोगों से बात की है, गाँव के सरपंच से भी बात की है, सब कुछ दिखा दीजिए। जफर अशरफी ने पूरी रिपोर्ट भेजी, दिखाइए जरा। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल बड़वानी जिले की ये वो तस्वीर है जहां पर पहाड़ चीरने का काम किया जा रहा है, पहाड़ को रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है। मेरे पीछे का ये दृश्य ज़रा दिखाइए, हमारे नजमुद्दीन जो कैमरामैन है वो इन तस्वीरों को बताइए कि किस तरह यहां पर
पहाड़ तोड़ने का काम किया जा रहा है, पहाड़ पर रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर महिलाएँ भी हैं और जिस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है, ये बड़वानी के मतरकुंड गांव की तस्वीर है जहाँ पर गांव को रास्ता बनाने के लिए ये कई मौतें इस पहाड़ ने ले ली है, कई जान ले ली है। कितने सालों से इस पहाड़ को ये लोग तोड़ रहे हैं, क्या कारण है, आइए हम इन्हीं लोगों से समझते हैं। ये पहाड़ हमारा रोड नहीं है, इसके कारण से हम खुद रहे हैं। ये कोई साल हो गए तो रोड ही नहीं, हमारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पाती है, तो उसके वजह से हमको रोड बनाना पड़ रहा है। तो लगातार हम 4-5 साल से खुद रहे, तो खुदने के वजह से थोड़ा थोड़ा खुद के थोड़ा जैसा पैडल चले वैसा रास्ता बना रखे हमने। सर हमारा रोड के कारण ऐसी तस्वीर है सर। अच्छा। हाँ, मेरे देखते देखते सर कम से कम 4 मौत हो गई है सर। 4 मौत? हाँ, 4 मौत, कम से कम 3 तो डिलीवरी हो गए सर, 2-1 बीमार हो गए सर। अभी आवेदन निवेदन कर चुके हमने। कर चुके हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? कहीं नहीं हुआ, आवेदन भी देते अपन तो कचरे में फेंक देते कि क्या। इसके बाद हमारे सहयोगी विधायक जी के पास भी पहुंच गए और उनसे भी जवाब मांगा। क्या कह रहे हैं विधायक जी, ये भी सुन लीजिए। सुनाइए विधायक जी। मैंने अभी पिछली मीटिंगों में जिला पंचायत में वो मामला उठाया था, तो जिला पंचायत सीईओ का ये कहना है कि अभी सदर सड़क योजना भी बंद कर दी शासन ने, उसके लिए कोई फंड नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है कि मतरकुंड सहित कई गाँव हैं जहाँ पर लोगों को आने जाने की बहुत ही, और पाटी ब्लॉक का सभी क्षेत्र दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है और पहुँच मार्ग नहीं है। ऐसी खबरें आपको केवल विस्तार न्यूज में ही मिलेगी, क्योंकि पहाड़ चढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, बाकी हर जगह तो डिबेट चल ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है। पहले प्रसाद खाया, अब रेबीज का टीका। यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, जानना चाहते हैं तो बने रहिए। चलिए बता देता हूं आपको खबर क्या है। अब जो खबर दिखाने जा रहा हूं वो थोड़ी अलग है। एक गांव जहां के लोग प्रसाद खाने के बाद अब रेबीज का टीका लगवा रहे हैं। चौंक गए ना, प्रसाद कैसा बना था, किससे बना था कि प्रसाद खाने के बाद आखिर कोई रेबीज का टीका क्यों लगाएगा, ये आपके मन में चल रहा होगा, तो चलिए बता देता हूं आपको। पहले तस्वीरें देखिए कि कैसे पूरा का पूरा गांव अस्पताल के बाहर रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंच गया है। ये लोग अस्पताल के बाहर इसलिए खड़े हैं क्योंकि सभी ने कुछ दिनों पहले सत्यनारायण कथा का प्रसाद खाया था। अब आप सोचेंगे कि रेबीज का टीका तो लोग किसी जानवर के काटने के बाद लगवाते हैं, प्रसाद खाने के बाद तो नहीं लगवाना चाहिए। तो सुन लीजिए पूरा मामला, कांकेर जिले के कोयली बेड़े इलाके का है, जहां 1 जून को विवेकानंद गांव के एक ग्रामीण के घर पूजा थी, सत्यनारायण की पूजा थी। पूजा के बाद प्रसाद बांटा गया। प्रसाद में था गाय के कच्चे दूध से बना प्रसाद, जिसे सिन्नी कहा जाता है उस इलाके में। ग्रामीण आए, पूजा में शामिल हुए और फिर दूध से बना प्रसाद खा लिया। लेकिन कुछ दिन बाद ग्रामीणों को पता चला कि जिन गायों के दूध से ये प्रसाद बना था उन्हें तो पागल कुत्ते ने काट लिया था, और दोनों गायों की मौत भी हो गई है। अब ये बात जैसे ही गांव में फैली, हड़कंप मच गया। गांव में तो आप जानते हैं, एक सीआर हुआ क्या तो हुआ हुआ हुआ, बाकी सब उसके पीछे डरने लगते। लोग डर गए कि उन्हें भी रेबीज ना हो जाए। ग्रामीण रेबीज का टीका लगाने अस्पताल की ओर भागने लगे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अब गांव में ही एक टीकाकरण शिविर लगा दिया। क्या कह रहे हैं गांव के लोग और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, जरा सुन लीजिए और सुनिए। प्रसाद खाने से ये नहीं हुआ है, आप समझ गए ना कनेक्शन, और आसानी से समझना चाहते हैं तो वही बता दूंगा। सुनाइए क्या कह रहे हैं। लोग एक पूजा में पहुंचते हैं, पूजा में प्रसाद खाते हैं, और प्रसाद खाने के बाद उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ जाती है। एक गाय को कुत्ते ने काटा था, कुत्ते के काटने की वजह से गाय की मौत हो गई। लगभग अब तक जो है 101 ग्रामीण से अधिक जो है वो उनको टीका लग चुका है रेबीज का। पागल कुत्ते ने वो गाय को जो काट लिया। जो भी वो कच्चा दूध वाला जो प्रसाद खाए थे वो आकर लगा रहे हैं। गाँव में जो है एक भय का माहौल बना हुआ है, इसलिए मैं डॉक्टर मैडम से बात करके कल से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। लगवा दीजिए, डर का और भय का वातावरण खत्म कीजिए। वैक्सीनेशन का काम जारी है, जहां पूरा का पूरा गांव ही रेबीज का टीका लगाने इकट्ठा हो गया। अब तक 150 से अधिक लोगों को रेबीज का टीका लगाया जा चुका है। अब आप ही सोचिए,
पहले गाय को पागल कुत्ते ने काटा, उस गाय के दूध का प्रसाद बना, प्रसाद ग्रामीणों ने खाया और पूरा का पूरा गांव हीरे बीज से डरा हुआ है। खैर, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सावधानी जरूरी है, रेबीज खतरनाक बीमारी है। तो चलिए अब आपको एक खबर का असर बता देता हूं, और खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है जो कागज मेरे हाथ में है। डाल दीजिए बड़ी ब्रेकिंग, विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जहरीली गैस के बचाव के लिए कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जारी कर दिया है निर्देश, सभी गांवों में कुओं में खतरे को लेकर जागरूकता फैलाएं। 2 महीनों में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। और इसके पहले हमने वीकेंड में आपको स्पेशल शो के जरिए बताया था कि कैसे ये जहरीली गैस इतनी खतरनाक है, और अब सरकार ने निर्देश जारी कर दिया। अब आपने समझ लिया ना, आपने समझ लिया ना कि विस्तार न्यूज संवेदनशील न्यूज चैनल है और मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। तभी तो हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं, तभी तो हम इस खबर को दिखा रहे हैं लगातार। और इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि प्रदेश में कुएं में जहरीली गैस से बचाव के संबंधित में निर्देश, सभी जिला समस्त कलेक्टर्स को। और लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से कुएं के अंदर जाने से कुछ व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना दिनांक फलाने फलाने 2/8/24 को छतरपुर जिले में घटित हुई। इस संबंध में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इस बाबत व्यापक प्रचार किया जाए। हम भी प्रचार कर रहे हैं, हम भी जागरूक कर रहे हैं, हम भी आपको सतर्क कर रहे हैं, एक्सपर्ट को सुना रहे हैं कि कैसे आप बचें, कैसे आप बचें। और इसी पर, इसी ब्रेकिंग पर, समय हो गया है लेकिन इसी ब्रेकिंग पर मेरे सहयोगी कौन है, श्याम सिंह तोमर है, जल्दी से बता दीजिए। ये तो विस्तार न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर है श्याम जी। वाकई बहुत बड़ा असर है, सरकार ने तत्काल एक्शन लिया और आपने शब्दों पर ध्यान दिया होगा, वही तमाम शब्द हैं, वही संवेदनाएं हैं जो विस्तार न्यूज़ ने अपने इस अभियान के तहत जो है दर्शकों को जागरूक करने के लिए कहा था। हमने एक्सपर्ट के हवाले से बताया था कि जागरूकता ही सबसे बड़ा उपाय है इस पूरे मामले में, और वही हुआ भी। सरकार ने त्वरित आदेश निकाला जैसे ही विस्तार न्यूज़ पर इस पर अभियान छेड़ा। ज्ञानेंद्र, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी आपको, और सुकून की सांस लेनी चाहिए क्योंकि आपकी मेहनत भी रंग लाई है। आप भी बहुत रिसर्च किए थे, बहुत परेशान हुए थे, और विस्तार न्यूज़ का मकसद भी है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है संतोष है, संतोष है। जल्दी से बता दीजिए कि कहां देख सकते हैं विस्तार न्यूज़, डाल दीजिए सोशल मीडिया में, एक्स पे, फेसबुक में और यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में आप विस्तार न्यूज़ देखते रहिएगा। बहुत जल्द हम आपके लिए कुछ और सौगात लेकर आने वाले हैं, लेकिन आप बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। 8:53 हो गया है,